दोस्तों, क्या आपको पता है एक प्रजाति के इंसान अलग अलग जगह पर कैसे पहुँचे? दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि किस तरह अलग अलग एस्टेरॉयड की टक्कर से इंसानी सभ्यता का बंटवारा हुआ और लोग अपने पूर्वज स्थान को छोड़कर नए स्थान पर गए। तो दोस्तों, क्या किसी एस्टेरॉयड या धूमकेतु की टक्कर से धरती पर इंसानों की सभ्यता का बंटवारा हो सकता है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर चिक्सुलूप इवेंट ने डायनासोर की प्रजातियों को नष्ट कर दिया था और दोस्तों, इसी के अरबों सालों बाद यानी कि आज से 13,000 साल पहले भी एक ऐसी ही घटना हुई जिसने इंसानी सभ्यता को परिवर्तित कर दिया था। दोस्तों, स्कॉटलैंड स्थित यूनिवर्सिटी और एडिनबर्ग के साइंटिस्ट मार्टिन के अनुसार 13 लाख साल पहले धूमकेतुओं की बारिश हुई तथा धूमकेतुओं की टक्कर ने इंसानों की अलग अलग जगह जाने पर मजबूर कर दिया था। यह बारिश दोस्तों उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड में हुई थी। दोस्तों, जब इन स्थानों का मुआयना किया गया तो पता चला कि यहाँ उच्च स्तर का प्लेटिनम है जो कि हाई टेम्परेचर से भी नहीं पिघलता है, लेकिन इसकी वजह से आसपास की चीज़ें कठोर से तरल हो जाती है और दोस्तों फिर स्टडी के मुताबिक ये तरल चीज़ें नैनो डायमंड या सूक्ष्म हीरे बनाती है। दोस्तों, ऐसी ही धूमकेतु नियोलिथिक पीरियड्स में भी गिरी थी। दोस्तों, इसे स्टोन एज का समय भी कहा जाता था। इस टाइम भी इंसान की सभ्यता अलग अलग जगह विकसित हो रही थी। ये इंसान एक काल में कृषि, पत्थर और घर बनाने की ओर अग्रसर थे। मिस्र, इराक और लेबनाना जैसे क्षेत्रों में इंसान खुद को विकसित कर रहा था। दोस्तों, ये इंसान घुमंतु होने की जगह एक स्थान पर रहना सोच रहे थे। तो दोस्तों, मार्टिन ने एक बयान में कहा कि तुर्की में गोबेकली टेप नाम का एक दुनिया का पहला मंदिर मिला। इससे यह स्पष्ट होता है कि दक्षिणी पश्चिम एशिया में इंसानों के विकास का क्रम चल रहा था, किंतु दोस्तों एस्टेरॉयड के गिरने से उनकी सभ्यता नष्ट हो गई। यह सभी उन्होंने मंदिर के पत्थरों पर लिखा हुआ था। दोस्तों, हम देखते हैं कि किसी एक प्रजाति के इंसान अलग अलग जगह देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, एक नई स्टडी में हुए खुलासे के अनुसार अंतरिक्ष से आने वाली इन्हीं एस्टेरॉयड की आपदाओं के कारण इंसानी सभ्यता को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। इसलिए दोस्तों, इंसानों के वंश वृक्ष की शाखाएं किसी एक जगह नहीं मिलती है। दोस्तों, इस स्टडी को अभी भी अर्थ साइंस रिव्यू में प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, 6.60 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड के गिरने से डायनासोर का अंत हुआ था जिससे 300 किलोमीटर व्यास का एक बड़ा गड्ढा बन गया था। ठीक उसी तरह धरती पर इससे कम व्यास के किंतु कई बार एस्टेरॉयड गिरे जिससे इंसानी सभ्यता को अलग अलग जगह जाने पर मजबूर किया तथा इन एस्टेरॉयड के गिरने से धरती पर और भी कई गड्ढे हुए थे। इसी कारण दोस्तों, आज हमें किसी एक वंश के लोग अलग अलग देशों में देखने को मिल जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।